नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा आज भी दिलों पर राज करती हैं। रेखा की मुस्कुराहट हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आ देती है। रेखा जब भी किसी के साथ मिलती है, वो प्यार से पेश आती है, जिसके नज़ारे कई बार देखे जा चुके हैं। एक्ट्रेस की खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे कई बार होते हैं, हालांकि हमेशा दूसरों में प्यार बांटने वाली रेखा की जिंदगी में प्यार की बेहद कमी रही। कहा जाता है कि रेखा से शादी के बाद पति मुकेश काफ़ी परेशान रहने लगे थे। एक दिन बिना कुछ सोचे समझे मुकेश ने अपनी जान ले ली। पुलिस का कहना था कि मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से फंदा बनाकर अपनी जान ली थी। मुकेश ने निधन से पहले एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा रेखा को मिले। वह खुद सक्षम है, खुद कमा खा सकती है। मुकेश के निधन के बाद रेखा पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। किसी ने उनके पति के निधन का जिम्मेदार उन्हें माना, तो किसी ने कुछ और कहा, लेकिन मुकेश के परिवार ने यह साफ कह दिया कि रेखा ने आज तक उनसे कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि मुकेश के निधन के बाद रेखा ने विनोद मेहरा के साथ शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। अब रेखा सिंगल रहती है, लेकिन मांग में उनकी सिंदूर हमेशा रहता है। वो किसके नाम का है ये आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, कहा जाता है कि वो अमिताभ बच्चन के नाम का है। दरअसल शादी से पहले ये अफवाहें थी कि रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद करती हैं। उनका झुकाव अमिताभ के साथ था, हालांकि कहा जाता था कि ये प्यार महज एक तरफा प्यार है। और अगर बात करें अमिताभ की, तो अमिताभ शादी और प्यार दोनों ही जया बच्चन से करते थे। रेखा भी इस बात को समझती थी, और रेखा की दिल की बात, उनकी दिल का दर्द उन्होंने अपने ही दिल में समेट कर रखा। रेखा अपने ज़िंदगी में खुश नहीं थी। हालांकि बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी तो रेखा ने कर ली, लेकिन शादी का अंजाम क्या हुआ वो सभी ने देखा। रेखा की ये शादी उनके लिए एक दर्दनाक याद की तरह साबित हुई। आज रेखा मुस्कुराती हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे रेखा की उस दर्दनाक दिनों की यादें हैं, जो कई सालों पुरानी है, और रेखा आज भी उन यादों में जीती।